इन्वेस्टमेंट स्कीम के तहत मुनाफा कमाने का लालच देकर 20 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने के मामले में सदर पुलिस ने त्रिभुवन दास भीमजीत जवेरी के संचालकों पर FIR दर्ज की है। सुगत नगर निवासी उत्तम राव मारुतराव भोजापाई की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया। आरोपियों में छावनी स्थित TVZ ज्वेलर्स के संचालक वर्ली मुंबई निवासी हेमंत जवेरी और सागर जवेरी का समावेश है। उत्तम राव के अनुसार सितंबर 2012 में उन्हें TPZ द्वारा निवेश योजना शुरू करने का पता चला था। इस योजना के तहत निवेश की गई रकम पर प्रति माह 1.5% ब्याज मिलने का वादा किया गया था। लाभदायी स्कीम लगने के कारण उन्होंने और उनके मित्र प्रशांत कुमार टाइटस ने छावनी स्थित शोरूम में 10-10 लाख रुपए जमा करवा दिए। निवेश के अनुसार उन्हें स्कीम के तहत लाभ मिलता रहा। कुछ महीने पहले दोनों को लाभ मिलना बंद हो गया। उत्तम राव और प्रशांत कुमार ने अपने निवेश की गई रकम वापस मांगी। लंबे समय तक उन्हें कोई जवाब ही नहीं मिला। बाद में रकम वापस करने में टालमटोल शुरू कर दी गई। परेशान होकर दोनों ने मामले की शिकायत सदर पुलिस से की है। प्राथमिक जांच के बाद पुलिस ने हेमंत और सागर जवेरी के खिलाफ धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया है। फिलहाल कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। त्रिभुवनदास जवेरी ज्वेलर्स के मालक हेमंत जवेरी आणि सागर जवेरी यांनी या फिर्यादी आणि त्याच्या मित्रानं जी रक्कम गुंतवलेली आहे त्या रकमेपैकी फक्त अनुक्रमे 13 लाख रुपये आणि 15 लाख रुपये त्यांना परत केले। उर्वरित 10 लाख रुपये आणि दोघांचेही 10 लाख रुपये असे 20 लाख रुपये यांनी वेळोवेळी या आरोपींकडे जाऊन त्याची मागणी केली, परंतु आरोपींनी ती रक्कम देण्यास त्यांना टाळाटाळ केली। आणि त्या दरम्यान हे जे दोन गुंतवणूकदार आहे यांनी पोलीस स्टेशनला ॲप्लिकेशन दिले, त्या ॲप्लिकेशनवर चौकशी होऊन चौकशीअंती गुन्हा निष्पन्न होत असल्याने त्रिभुवनदास जवेरी ज्वेलर्सचे मालक हेमंत जवेरी आणि सागर जवेरी यांच्यावर 420, 406, 3434 पोलीस स्टेशन सदर या ठिकाणी गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे आणि पोलीस आरोपीचा शोध घेत आहेत। यापूर्वीही TBZ मालक हेमंत जवेरी यांच्यावर 2018 सदर पोलीस स्टेशन या ठिकाणीही गुन्हा दाखल केलेला आहे। त्यावेळीही यामध्ये फिर्यादी आणि त्याचे 3 साथीदार असे एकूण 4 गुंतवणूकदार होते। या 4 गुंतवणूकदाराचे त्यांनी पैसे परत केलेले नव्हते। त्या अनुषंगानेही 2018 त्यांच्याविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल आहे। कॅमेरा पर्सन वीरेंद्र खोबराकडे के साथ अभिषेक पानसे की रिपोर्ट।